वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबानी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। गुरु नाल किते गए प्यार नू चार तरह का प्यार मन्या गया है, जिन्ना विच पहले प्यार नू ओदा प्यार कहा गया है, जिसनू आम लफजा विच प्रधानगी प्यार भी कहा जाता है। कोई विरले ही हुंदे हन जेड़े गुरु नाल सच्चा प्यार करते हैं। जद तक किसी गुरुद्वारे विच जां सोसाइटी विच ओदा मिलिया रहेगा तां ही गुरुद्वारे जाना है, ओदा नहीं तां फिर गुरुद्वारे ही नहीं जाना। इस नूं ओदा प्यार कहिंदे हन। दूजी तरह दे प्यार नूं वस्तु प्यार कहा जांदा है। किसी मनछा नूं धार के गुरुद्वारे जाना अते जदों वस्तु मिल जाए तां फिर उस नेम नूं ही छड्ड देना, गुरुद्वारे जाना ही छड्ड देना। वस्तु प्यार तां हर कोई कर सकदा है, पर यह पौड़ियां हन, मंजिल नहीं है। रस्ते विच हो मंजिल ते नहीं पहुंचोगे। इस नूं बाणी विच भी कहा है, दात प्यारी विसरिया दातारा। गुरु नाल तीसरे तरह दे प्यार नूं रुत्ती प्यार कहा गया है। रुत आई अते गई, जिवें कईआं दा नेम गर्मियां विच 4 बजे उठना, नितनेम शुरू हो जाना, गुरुद्वारा साहिब जाना, हाजरी लगा लेनी। पर जदों सर्दियां आंदियां हन तां रजाई विचों उठण दा ही जी नहीं करदा। इस तरह दे प्यार नूं रुत्ती प्यार कहिंदे हन। एक है चौथा प्यार, जिस नूं सच्चा प्यार कहिंदे हन। जद तक प्राण ने तद तक तू है, सच्चा प्यार गुरु दे नाल। शरीर देग विच उबाले खा रहा है, शरीर आर्या नाल चीरिया जा रहा है, पर जद तक प्राण हन बाणी चल रही है, इसी नूं सच्चा प्यार कहिंदे हन। इस नूं गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इंज भी आख्या है, साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साडी अज दी शिवजी अते पार्वती जी दी बहुत ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे ना इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जेड़े चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना और बैल आइकन भी दबा लेना, और अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना, और कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार शिवजी महाराज समाधि विच बैठे सी, पार्वती जी कोल आई। शिवजी ने अखां खोलियां अते पुछिया, पार्वती तू किथे? तां उन्हां ने कहा, मैं तुहाडी पत्नी हाँ, मैं तुहाडे कोल बैठी हाँ, तुसीं अखां खोलो अते मैं सेवा करां, सेवा विच हाजर होवां, कोई चीज लोड़ होवे तां देवां। शिवजी महाराज ने फिर अखां बंद कर लईआं। कहिंदे हन, इन्ने नूं नारद जी आ गए अते पार्वती जी नूं पुछदे हन, इह तां समाधि विच हन, तुसीं इत्थे क्यों बैठे हो? पार्वती कहन लगे, मैं इन्हां दी सेवा विच हाँ। नारद मुनि जी कहिंदे हन, तुसीं इन्हां दी सेवा विच हो पर इह तुहाडे नाल प्यार नहीं करदे। तां पार्वती जी ने कहा, क्यों प्यार नहीं करते? मेरे नाल तां इन्ना प्यार करते हैं शिवजी, मैनू ही पता है। तां नारद मुनि जी ने कहा, मैं सच कहिंदा हाँ, तुहाडे नालों ज्यादा एक होर है उसनू प्यार करते हैं, तुसीं तां नंबर दो ते हो। पार्वती जी गुस्से विच आ गए अते कहा, नहीं नारद मुनि, यह नहीं हो सकता, यह कदी भी नहीं हो सकता कि यह किसी होर नू प्यार करते होण अते मैनू दूजे नंबर ते रख्या होवे। तां नारद मुनि ने कहा, यह किसी होर नाल प्यार तुहाडे नालों भी ज्यादा करदे हन, तुसीं नंबर दो ते हो। पार्वती जी नूं होर गुस्सा आ गया, यह कह के नारद मुनि जी चले गए। अते जदों शिवजी महाराज दीआं अखां खुल्लियां तां पार्वती जी बहुत गुस्से विच सन। शिवजी ने पुछिया, पार्वती की होया है? पार्वती ने कहा, मैनूं अज पता लग्या है तुहाडी हकीकत। तां शिवजी कहन लगे कि मैं हुने थोड़ा समा पहले अखां खोलियां सी ते तू कहा सी मैं सेवा वास्ते बैठी हाँ, तुहाडी सेवा करनी है, अते हुण अखां खोलियां हन अते हुण तू गुस्से विच है। तां पार्वती ने कहा, मैनूं कुछ पता लग गया है, तुसीं मेरे तो ज्यादा किसे होर नूं प्यार करदे हो। शिवजी कहन लगे, इह तैनूं किवें पता लगा है? तां पार्वती जी ने कहा, सच्चाई छुप नहीं सकती, बस पता लग गया मैनूं। शिवजी महाराज कहंदे, किते नारद मुनि तां नहीं आया इत्थे? तां माता पार्वती ने कहा, नारद मुनि जी आए सन अते मैनूं सब दस दिता है कि तुसीं किसे होर नाल प्यार करदे हो, मैनूं नंबर दो ते रख्या है।
ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਾਰਵਤੀ ਜੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਵਤੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਵਸਤੂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰੁੱਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਯਤਨ ਕਰੋ ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੰਧੀ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।